नमस्कार, वेरी वार्म वेलकम टू प्रसार भारती स्पोर्ट्स। आई एम स्मृति रस्तोगी विद आईपीएल कप शाब। एक बार फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में आज शाम 7:30 बजे से। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच रहेगा ये। विराट कोहली की कैप्टेंसी में भिड़ंत होगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की सनराइजर्स हैदराबाद जो की जिसके कैप्टन है डेविड वार्नर। इंटरेस्टिंग मैच रहेगा, इंटरेस्टिंग हमारे डिस्कशन रहेगा हमारे साथ इस वक्त। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगी अजय मेहरा जी का जो कि स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं। अ वेरी वार्म वेलकम। थैंक्स अ लॉट स्मृति, थैंक यू। अ वेरी वार्म वेलकम। एंड नाउ वी आल्सो हैव मनुजा बिदास हु इज अ क्रिकेट राइटर। वेरी वार्म वेलकम मनुजा। थैंक यू, थैंक यू। और हमारे साथ वेंकट हैं जो कि रेडियो जॉकी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू स्मृति, ऑल द बेस्ट। अजय, एक बात जो कि शुरुआत में पूछना जरूरी सही रहेगा, डेविड वार्नर कुड नॉट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस इन द लास्ट मैच विद हिज परफॉर्मेंस। टीम के मोराल बूस्टिंग की अगर जहां तक बात हो, कितना जरूरी है ये मैच जीतना एंड लीड बाय एन एग्जांपल, पर्टिकुलरली वार्नर। या ही इज अ बिग प्लेयर, नो डाउट अबाउट दैट। एंड आई थिंक कई बार क्या होता है, इतनी अरसे के बाद जब खेलते हैं ना, थोड़ा सा रस्टीनेस होता है और कई एक आध मैच में कोई भी बड़ा खिलाड़ी आउट हो सकता है, बट ही इज अ चैंपियन प्लेयर, वी ऑल नो दैट। पर कहीं ना कहीं वो जो चेस करते हुए अगर आप देखें, जिस प्रकार हैदराबाद की टीम हार गई, मनीष पांडे ने पिछले मैच में बहुत बढ़िया बैटिंग करी, आई थिंक द स्टार्ट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर देम बिकॉज आरसीबी द काइंड ऑफ टीम दे आर एंड द वे दे प्लेड अगेंस्ट द चैंपियन साइड मुंबई इंडियंस, और उनका जो मनोबल है वो काफी बड़ा होगा क्योंकि एक बड़ी टीम को जब हरा के आप इस प्रकार आगे आते हैं, अगले मैच में पहुंचते हैं, ये दर्शाता है कि आपका कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बेशक विराट कोहली ने ज्यादा परफॉर्म नहीं किया, पर जिस प्रकार एबी डिविलियर्स ने वो पारी खेली, रेयत पाटीदार अगर आप देखें, युवा खिलाड़ी को भरोसा दिखाया, उनको 3 नंबर में बैटिंग कराई, गेंदबाजी मुझे this season it could be RCB all the way because just the kind of combination they have, the kind of resources they have, form and get runs for them, that's going to be important. राइट राइट राइट। सो एज पर मिस्टर मेहरा की एक एज हो सकता है आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। अगर हम हेड टू हेड डेटा या स्टैट्स की बात करें बिटवीन सनराइजर्स हैदराबाद एंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, तो अभी तक टोटल ऑफ 18 मैचेस हैव बीन प्लेड बिटवीन द टू साइड्स, आउट ऑफ विच वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड दैट हैदराबाद हैज वन 10 मैचेस सो फार एंड आरसीबी ने 7 मैचेस जीते हैं। इंटरेस्टिंग है कहीं ना कहीं जो एज की बात कर रहे थे मिस्टर मेहरा, मैं आई विल कम टू वेंकट की जो एज की बात हो रही थी, अगर हम डेटा या स्टैट्स को देखें तो 10 मैचेस अभी तक आउट ऑफ 18 सनराइजर्स हैव वन और 7 मैचेस रॉयल चैलेंजर्स ने जीते हैं। इस चीज का कहीं ना कहीं एक मोराल पे, एक कहीं ना कहीं एक फ्लिप मिलेगा, एक बूस्टर रहेगा। Yes, Smriti, before I go forward, I'm so happy that the match is not happening in Hyderabad today because since 2 o'clock in the morning, it is raining cats and dogs with thunder and lightning and so many things. There is no power from 2 to 6 o'clock. Everything interrupted in Hyderabad. Match could not have taken place at all. No result, one more there. Now there is one already. So luckily, match is not happening in Hyderabad. For once, we are happy that it's not happening there. And coming to the team, yes, Warner is a great player any day. He is a brand of himself. They have to make a couple of changes. Otherwise, the body language is good. It's a close match. And I'm not taking out anything from RCB. But Sunrisers, you see, they are also former winners. So they are one up on Bangalore team, if you look at the win performances. And it is Hyderabad who scored 231 to RCB's 2, maybe 27, something like that. And every time, whenever they played all these 18 games, they crossed at least 100 and Bangalore failed to do it once at least. So we have all boxes ticked for Hyderabad against RCB. Not that RCB is a bad team, but somebody like Padikkal should come into the team to give that balance to them. And I wish that he takes a couple of days more rest so that we'll be happy that way, Smriti. Right. Manuja, who is joining us from Bengaluru. Manuja, Royal Challengers Bangalore, जब आज मैदान पे उतरेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस जरूर हाई होगा क्योंकि अपना ओपनिंग मैच उन्होंने जीता था एक स्ट्रॉन्ग टीम मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट, तो कितना एडवांटेज मिलने वाला है आज? Absolutely, I agree with what Venkat says. Padikkal can be bad news for SRH, but from what we're hearing, he may join the team today. He's looking fit. That will actually put a little
focus on the team balance as such. Who goes out? Probably they'll bring Shahbaz Nadeem to sit on the bench again. But what, when you look at Royal Challengers Bangalore, the way they won the match against Mumbai, it would have given them a lot of confidence, because they came into that contest on the back of having lost 5 consecutive matches in UAE. So in terms of a morale booster, yes, it is. And the way they played, I mean, they found a match winner in someone like Harshal Patel, who till then has never taken a 5-wicket haul in T20. You know, the cause of concern for them, I probably would think, is Chahal. And we must not forget that this was the particular ground jahan pe unhone match jeeta tha. To jahan tak pitch familiarity ki acclimatization ki baat ho rahi hai, to I think unko ek advantage us aspect mein bhi rahega. Yeah, but then, you know, we also have to factor in that they're using different pitches at the same ground. So traditionally, Chennai is known to be a spin, you know, a slow turner, but it has turned two ways in the last 2 matches that we've seen. It actually hasn't been as slow as you would think. The ball is stopping a little bit. We saw that in the match against Mumbai, RCB's match against Mumbai. So right. It's not like a true Chennai pitch, I would say. अजय सनराइजर्स हैदराबाद में जो 2 क्रूशियल प्लेयर्स हैं जिन्होंने मैक्सिमम स्कोर सेट किया था, जोनी बेस्टो और मनीष पांडे, बेहतरीन प्लेयर्स हमें देखने को मिले थे उस मैच में. हालांकि ओवरऑल टीम इतना कुछ खास प्रदर्शन कर नहीं पाई थी, बट उनके अलावा कौन से प्लेयर्स को आज फोरफ्रंट पे देखने को मिलेगा? आई थिंक जो स्टार्ट की हम बात कर रहे थे ना, वो बहुत अहम रहने वाला है स्मृति, क्योंकि ये साहा अगर आप ऊपर आ रहे हैं, साहा और डेविड वॉर्नर, वो स्टार्ट वो प्लेटफॉर्म ले करना बहुत जरूरी है. और जब वो आप नींव वो रख देते हैं ना, फिर आप देखते हैं कि आने वाले बैट्समैन के लिए काफी ईजी रहता है, फिर वो बड़ा स्कोर आप बना सकते हैं. मुझे लगता है स्टार्ट बहुत अहम रहेगा, क्योंकि जब आप 2-3 विकेट शुरू में आप खो देंगे, और मुझे जो लग रहा है आरसीबी के बारे में, इसलिए मैं कह रहा था कि उनकी जो गेंदबाजी है इस बार मुझे अलग नजर आ रही है. आप देखिए पिछले मैच में नवदीप सैनी जैसे खिलाड़ी को जो इंडिया खेल रहे हैं उनको बाहर बिठाया, हर्षल पटेल को मौका दिया, उनके आगे दिया, और ये देखते हुए कंडीशंस वहां पे कैसी हैं. और ये नहीं भूलना होगा, अभी विकेट की बात हो रही थी, सर्विस की बात हो रही थी, चेन्नई में बैक टू बैक मैचेस है, कल भी मैच हुआ, आज भी मैच है, तो कहीं ना कहीं वो जो वेयर एंड टेयर फैक्टर होता है ना, क्योंकि क्रिकेटर ज्यादा आप विकेट में पानी नहीं डाल सकता, थोड़ा सा आपको सूखी रखनी पड़ती है. तो मुझे ऐसा लग रहा है जो स्पिनर्स है आज उनका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, और उसमें चहल है या वॉशिंगटन सुंदर है आरसीबी के लिए, या फिर हैदराबाद के लिए अगर आप देखें राशिद खान, मोहम्मद नबी, दोनों वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं. सो आई थिंक स्पिन इज गोइंग टू बी अ बिग फैक्टर टुडे, बट कहीं ना कहीं जो स्टार्ट है वो बहुत अहम रहेगा हैदराबाद के लिए. बैटिंग लाइनअप पे अजय कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे? क्योंकि बहुत बातें हो रही थी बैटिंग लाइनअप को लेकर के, कि थोड़ा ऊपर ला करके समद को खिलाना चाहिए, इस तरीके के कोई चेंजेस हमें पर्टिकुलरली देखने को मिल सकते हैं आज के इस मैच में? You mentioned about that lad, you know, Abdul Samad. He is such a fantastic player. और हम इस IPL में देख रहे हैं ना, मतलब जो भारतीय युवा खिलाड़ी हैं, आप नितीश राणा को देखें, KKR के लिए, रैयत पाटीदार जो भी छोटी सी पारिने के लिए उन्होंने काफी प्रभावित किया, संजू सैमसन जैसे वो लीड कर रहे हैं अपनी फ्रेंचाइजी को, तो बहुत जबरदस्त ये युवा खिलाड़ी उभर के आ रहे हैं. और मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अब्दुल सामद जो उनके पास टैलेंट है, जितना आप उनको ऊपर भेजेंगे उतना बेहतर रहेगा. देवदत्त पड्डीकल एक और ऐसे खिलाड़ी हैं जो RCB के लिए आज खेल सकते हैं. You know, we saw in the last game for RCB, it was Washington Sundar who opened with Virat Kohli. But because now Devdutt Padikkal, you know, he's fit and ready to go, the news that's coming in. So probably he'll open the batting with Virat Kohli. So ek aur strength aa gayi hai RCB ki batting lineup mein. Par aapne bilkul sahi kaha Smriti, Abdul Samad, jitna aap unko mauka denge, jitna aap unko upar bhejenge, utna behtar rahega Hyderabad ke liye. बिल्कुल. और पडिकल के बारे में जैसे आपने बोला कि एक बैटिंग लाइनअप को और डेप्थ मिल जाएगा अगर ओपनर अगर विराट कोहली के साथ उतरते हैं मैदान में. एक डेटा हमारे पास है जिसमें हम बात कर रहे हैं टॉप 5 रन गेटर्स ओवरऑल IPL की, जिसमें सबसे ऊपर है डेविड वॉर्नर. ही हैज स्कोर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ रन 593. उसके बाद है विराट कोहली आरसीबी के, फॉलोड बाय AB डिविलियर्स तीसरे नंबर पे, उसके बाद विलियमसन, बेयरस्टो. तो हम देख रहे हैं कि 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि सनराइजर्स हैदराबाद से हैं, और 2 विराट कोहली और डिविलियर्स हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से. वेंकट, आपसे मेरा सवाल, ग्लेन मैक्सवेल और AB डिविलियर्स, उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा था एक टीम की विक्ट्री में, कितना बड़ा सरदर्द साबित हो सकते हैं आज हैदराबाद के लिए दोनों? See, when it is T20, no team should be bothered about the reputations of a player. We know that Maxwell was total failure last year when he's playing for Punjab.
Okay. So what I'm saying is they have to make two changes. They should look into this. They should now rest Mohammad Nabi today and bring Kedar Jadhav, who bowls that horizontal line. Ball will not bounce at all. When he's not bouncing the ball, hard hitting is impossible. And with Kedar Jadhav coming, he's a better batsman than, I'm telling you, Nabi. And he should actually, in Indian 7, he should replace Vijay Shankar. And in Nabi's place, I want Jason Holder to come, who can definitely bowl more than one over, which Vijay Shankar bowled last match and gave all those 14 runs. The margin of error is only 10 runs. They lost with only 10 runs. So Vijay Shankar should be rested, Indian squad. And Kedar Jadhav should come to bowl those 3-4 overs, lower trajectory and, you know, horizontal. And Jason Holder coming, he will strengthen the batting for SRS, definitely. Because he's a better batter than Mohammad Nabi. And Kedar Jadhav is a frontline batsman who can bowl 2-3 overs. I think these one or two small changes should be there. But again, I'm saying that Kane Williamson will be benched today also because Best has performed. And of course, Warner is leading the side. I think they might think in those lines. मनुजा, हम अगर आज नबी खेलते हैं, राशिद खेलते हैं, बॉलिंग डिपार्टमेंट ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांग है उनका, तो क्या हम देखते हैं कि आज नबी एंड राशिद वर्सेस मैक्सवेल एंड एबी डिविलियर्स, ऐसा कुछ ओवरऑल? एब्सोल्युटली, वी ऑल नो बोथ मैक्सवेल एंड एबी डिविलियर्स हैव स्ट्रगल्ड अगेंस्ट स्पिनर्स, एंड स्पेशली इफ यू लुक एट द प्रीवियस मैच, सनराइजर्स लॉस्ट द मैच. But 27 dot balls by Nabi, Rashid, and I'm sorry, Natarajan, Bhuvi, and Rashid. So we know that, you know, batsmen consecutively struggle against them. But AB de Villiers and Maxwell in particular have constantly struggled against Rashid. And probably Nabi will be, you know, if he gets to play in the 11, Nabi can be a very crucial factor for SRH. Absolutely. Nabi and Rashid, एक deadly duo, lethal attack हम लेकर के चलते हैं. Top 5 wicket takers, अगर overall IPL stats की बात करें तो युजवेंद्र चहल is at the top, taking 16 wickets, followed by भुवनेश्वर कुमार, राशिद खान, संदीप शर्मा and सिराज. तो चार ऐसे विकेट टेकर्स जिनकी हम बात करें, गेंदबाज हैं, चार सनराइजर्स हैदराबाद के पास, एक है युजवेंद्र चहल आरसीबी, तो एक एज है अजय, एक एज है बॉलिंग डिपार्टमेंट को अगर हम सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो. Hyderabad, you know, they're always a very good potent bowling lineup, and I think Rashid Khan, he's a fantastic bowler. Matlab wicket taker ki agar aap baat karte hain, Rashid Khan just crops up in your mind, you know, jo unke paas variety hai, jaise wo ap gendbazi mein apni gati ka istemal karte hain, I think he's a quality bowler. And not to forget Bhuvneshwar Kumar, you're very seasoned. Also someone like Sandeep Sharma has done really well for Hyderabad. Par kehne ka mujhe lag raha hai is baar jo RCB ki jo gendbazi hai na, mujhe ek bahut bada antar nazar aa raha hai. Main baar baar yahi baat karta hu कि ठीक है, आपके पास मोहम्मद सिराज है, उन्होंने हमें देखा भारत के लिए भी कैसे किया है, वो कॉन्फिडेंस नजर आता है, यू नो दैट कॉन्फिडेंस इज अ बिग फैक्टर इन क्रिकेट. एंड आल्सो यू नो समवन लाइक वॉशिंगटन सुंदर, चहल, एंड देन जैमिसन, यू नो प्लेइंग द लास्ट गेम, उनकी जो हाइट है उससे बड़ा फर्क पड़ रहा है. सो दिस टाइम द बोलिंग फॉर आरसीबी लुक्स टू बी मच बेटर एज कंपेयर टू द लास्ट फ्यू सीजंस, एंड दैट्स अ रीजन, यू नो वंस योर बोलिंग इज गुड, आप ऑपोजिशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या विकेट्स लेने की क्षमता है, देन यू ऑटोमेटिकली यू आर इन द गेम. एंड हैदराबाद ऑफ कोर्स, यू नो, over the years they have had, you know, this is a big plus for them that unke paas batting lineup to hai hi hai, par unke paas jo gendbazi hai, Mohammad Nabi, Rashid Khan, Bhuvneshwar Kumar, so ye key bowlers hain, par kahin na kahin aaj jo takkar rehne wali hai na, mujhe lagta hai kyunki ye wicket jo hai, jo surface hai, ye ek bahut bada important role play karegi. To kitne run badhte hain, kal humne dekha Mumbai Indians 152 run bana ke bhi aur all out ho gayi, bahut kam dekhte hain Mumbai Indians all out hote hue, tab bhi wo match jeet gayi, to aaj dekhna hoga wo kis prakar yahan pe defend karte hain, kitne run bana pate टीम बैटिंग करते हुए. मनुजा, अगर हम बात करें युजवेंद्र चहल के कंट्रीब्यूशन की, तो भूलना नहीं चाहिए ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर, 16 विकेट्स अब तक ओवरऑल वो ले चुके हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस पे भी सबकी निगाहें टिकी रहेंगी और टीम के लिए एक एज रहेगी, जबरदस्त एज रहेगी टीम को, उम्मीदें काफी हैं युजवेंद्र चहल से. Absolutely, Smriti, I couldn't agree more with you. See, the thing with Chahal is he's a proven match winner. Like the other day when I had a chat with Simon Cattage, he said RCB is not unduly worried about his
lack of the lean patch that he's gone through in the England series. But what you saw in the match against Mumbai Indians was a lack of confidence. Also, I mean, credit to Mumbai, they are good players of spin. But there is a serious lack of confidence that you see in Chahal, especially in the body language when he's come out to play. But on any given day, his day, he can turn the match around. We've known him to be, a good, especially in power play, he's got RCB a lot of wickets. So he will play a crucial role. And I think RCB will continue to back him. Absolutely. He will, all eyes will be on Chahal. उनसे जबरदस्त उनसे उम्मीदें भी हैं और जिस तरीके का परफॉर्मेंस उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है वो भी काबिले तारीफ है. वेंकट, दो और विकेट टेकर्स की बात हुई थी, भुवनेश्वर कुमार और संदीप शर्मा की. लास्ट द डुओ दे प्रूव टू बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर द टीम. इट्स नॉट दैट वे, इट्स नॉट एक्सपेंसिव, बट इफ यू लुक एट द स्टैटिस्टिक्स ऑफ लास्ट 2-3 इयर्स, बैट्समैन कमिंग अक्रॉस द वर्ल्ड. They started, starting out the likes of Chahal, Kuldeep Yadav, Sunil Narain, everybody. And you see, that is the reason why they are not getting wickets this time. But somebody like Rahul Chahar, a youngster, walked away with 4 wickets. And R&D should be very clear for a player like Chahal. Chahal is no doubt a very good bowler. But besides bowling, suppose his 4 overs are taken care of, he is a liability in the bat and also in the field. So that is the areas where we'll push the ball towards Chahal and take a single. Single will be converted to 2. And Chahal, they cannot keep him at the boundary line. He should be placed somewhere at 30 yards. So these are certain shortcomings. Okay. So he's not electrifying in the field. But Chahal bowling 4 overs, giving over 20, 30 odd runs without taking a wicket or 2, he has done his job well. But a batsman like Bairstow or Warner or Manish Pandey, they're all time-tested batsmen. And they sorted out. I've seen that very clearly. But one player who's doing good is Rashid Khan. Rashid Khan is still maintaining because he's adding new weapons to his armory. He's bowling straight one, he's bowling googly. He used to bowl more googlies when he made a debut. He's now stopped doing that because his googly can be read very easily. His action, the way he bends before delivering all those things, they sorted out. So the R&D of the bowler should be very, very good, especially if they are only one-dimensional. That like Chahal or Kuldeep, they can only bowl. They are not good in fielding. I mean, they might be safe fielders, but not electrifying when compared to others. Unlike Jadeja, who is electrifying a fielder, good batsman and a bowler. That those things are not there with Chahal and Kuldeep. That is one area of concern. But coming to Hyderabad, one more game, I think Kane Williamson will be rested. And that is one. And Chennai, these 2 matches, what we have seen, no team had touched 160. Whereas in Mumbai, already 2 teams scored more than 200 and two teams scored 200 almost, 190. Pitch ki jahan tak baat jo keh rahe hain aap, pitch ki jo baat keh rahe hain, pitch mein bahut difference hai. Vankhede ki pitch mein aur M.H. Chidambaram ki pitch mein, to teams ki strategy bhi differ karti hai from pitch to pitch, from match to match, kahan pe khela ja raha hai. और इसी पर हम बात करेंगे, टॉप 5 हाईएस्ट स्कोरर्स इंडिविजुअल की हम बात करेंगे. सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर. जोनी बेस्टो हाईएस्ट स्कोरर विद 114 और एबी डिविलियर्स फ्रॉम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ही इज एट द बॉटम ऑफ द टेबल विद 89. बड़ा इंटरेस्टिंग ये चार्ट है. देख अजय, आपसे आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी मैं. स्कोर्स कई बार देखिए, कई बार शतक लगता है, क्रिकेट की गेम है, कई बार शतक लगता है, बट यू नो ऑल आर चैंपियन प्लेयर्स. वो जो लिस्ट आपने दिखाई है, डेविड वॉर्नर, विराट कोहली, बेरिस्टो, यू नो ऑल चैंपियन प्लेयर्स, एंड इन देयर ओन राइट ऑन अ गिवन डे दे कैन विन मैचेस फॉर यू, दे आर मैच विनर्स. तो मुझे लगता है कि कॉन्टेस्ट अलग रहेगा. पर आप जो पिच की बात कर रहे हैं, देखिए एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर आपकी जो गेंदबाज है उसकी सोच रहती है, जब धीमी विकेट है, धीमी सर्फेस है, तो आप कैसे गति मिश्रण करते हैं. और यही कारण था, अगर आप देखें पिछले मैच में दीप सैनी जिनके पास गति है, उनको बाहर बिठाया गया क्योंकि चेन्नई में मैच था. अगर ये शायद वानखेड़े में होता तो वो शायद खेलते प्लेइंग 11 में. पर विकेट को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए, हर्षल पटेल को मौका दिया और उन्हें 5 विकेट लिए. और 5 विकेट भी कौन से, जिसमें पोलार्ड थे शामिल, हार्दिक शामिल थे, कृणाल पांडे शामिल थे. सो बिग विकेट्स फॉर हिम, यू नो. सो सर्फेस मेक्स अ डिफरेंस, टीम स्ट्रेटजाइज अकॉर्डिंग टू दैट, प्लानिंग वैसे रहती है. पर प्लानिंग से बड़ी चीज प्रीति ये है कि एग्जीक्यूशन कैसी है. क्या प्लान जो मर्जी कर लीजिए, फील्ड में जाके कैसे एग्जीक्यूट करना है,
वो चीजें बहुत अहम रहती है। और अगेंस्ट यू नो क्वालिटी बैट्समैन जो थिंकिंग है, जो थिंकिंग प्रोसेस है किसी भी गेंदबाज का, वो अलग होता है। क्योंकि आपको पता है जितना अगर आप तेज गेंदबाज हैं, जितना आप गति मिश्रण करेंगे, कटर्स का प्रयोग करेंगे, उतना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अच्छा, एक और जो प्लेयर जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी अजय, मैक्सवेल के बारे में। लास्ट सीजन में इतना इंप्रेसिव नहीं रहे, कुछ खास कर नहीं पाए, बट इस सीजन की शुरुआत उन्होंने बड़ी दमदार करी। कितनी उम्मीदें हैं उनसे, नई टीम, नई शुरुआत, नया सीजन, और सबसे महंगे प्लेयर हैं आईपीएल के, ये भूलना नहीं चाहिए हमें। Absolutely. You know, he's got that X factor. You know, a lot of people say, ठीक है, पंजाब के लिए वैसा परफॉर्म नहीं किया जो एक्सपेक्टेशन थी, पर ऐसा होता है। पर मुझे लगता है मैक्सवेल के लिए एक जो चीज स्मृति उनके पक्ष में अब जा रही है ना, बिकॉज ही इज गॉट समवन लाइक यू नो विराट कोहली एंड एबी डिविलियर्स इन द लाइनअप एज वेल, यू नो, सो दैट उनको पता है मेरा अब क्या रोल है। मेरा रोल है को इम्पेटस प्रोवाइड करना, वो बड़े शॉट्स खेलना, यू नो, व्हेन यू हैव दोस ग्रेट प्लेयर्स विद यू, तो आपको ना कहीं थोड़ा सा जो आपका ऊपर जो भार है वो आसान हो जाता है। यू नो, दे टेक lot of load off you, people like Virat Kohli, AB de Villiers. So now, you know, he can play with more freedom. कई बार क्या है, आप ये सोचते हैं पंजाब के लिए जब खेल रहे थे खाली मैक्सवेल है, मैक्सवेल है, मैक्सवेल है, उनको ही फायर करना है। So, you know, that over dependence, you know, at times can be harmful as well. So here, you know, you got some big players with him. और मुझे लगता है कि अब उनको एक चीज दी है कि आप जाइए, अपना best दीजिए. And the kind of start he got in the first match, you know, against Mumbai Indians, the quality side, that would have given him lot of confidence as well. मनुजा, कितना डिफरेंस टीम की बैटिंग लाइनअप को कितना वेट मिलने वाला है ग्लेन मैक्सवेल के होने से? I think he's a very key factor because one of the things that RCB has struggled with over the years is the middle overs. You've generally had the Indian players there who've misfired over, you know, successfully. You had Shivam Dubey who flopped big time for them over a period of time. So I think Maxwell's role is very clearly defined. The coaches believe his role is to anchor the middle order and then give them a couple of overs of bowling. And, you know, a player like Maxwell can actually accelerate your innings, especially in the middle overs. This is something RCB has lacked over the years. Like Ajay was saying, the X factor that has come into play for RCB this year, it is Maxwell. He's also coming off some runs in T20s. I think he got a 70 against New Zealand before coming in. So he's had a fair amount of match practice, because also remember, you know, to due credit with what happened with Punjab, right. I think, you know, his role kept changing. He kept playing at different orders, and the rustiness of having come off the long break, I think, was showing. That's not showing it's with him, I think. Right. And again, you were talking about the X factor ki baat ho rahi hai. So David Warner ka naam to sabse पहले आएगा, सनराइजर्स हैदराबाद के डेविड वॉर्नर। अगर उनकी परफॉर्मेंस की बात करी जाए वर्सेस आरसीबी बोलर्स ओवरऑल आईपीएल में अगर बात करी जाए, तो सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट रहा है युजवेंद्र चहल के अगेंस्ट, फिर मोहम्मद सिराज और फिर वॉशिंगटन सुंदर। You know, that's the factor for Smriti as far as David Warner is concerned. जब वो एक बार चलेंगे ना तो स्ट्राइक रेट अपने आप बन जाता है, because you know he is a kind of player who's got you know good range of shots, हर direction में वो खेलते हैं, एक जबरदस्त खिलाड़ी है, अनुभव इतना उनके पास है, you know he's a quality player, and quality players once they get the start, once they get those 15-20 runs, normally they convert the starts into big scores, and that's the kind of player David Warner is. Yes, he missed in the first game, but I think you know the kind of player he is and the kind of captain he's been for. हैदराबाद, I think he'll come good very shortly. Versatility की बात हो रही है, versatile performance की बात हो रही है। वेंकट, किसको देख रहे हैं आज उतरते हुए opener? Yeah, हैदराबाद team, I don't want to see any change. Sahai is good and Warner, of course, they pick themselves because middle order is not that good or great. Pandey is okay, but Bairstow should come in the middle. But Sahai should be told what he should do. He should not try and get a 50 runs in the inside first power play. He should be asked to see that without losing a wicket, they should cross the first six overs barrier. I think I'll tell you one thing here. Going back a minute, when Warner is batting as an opener left-hander, I think Virat Kohli might be tempted to give ball to Maxwell because he's a right-arm off spinner, to bowl to Warner. Because nobody knows about Warner more than Maxwell in the current scenario. This may happen because he's an off spinner. He knows about Warner. That is one. And two, now the strategic timeout,
what happens is after 6 overs, suppose they are taking strategic time out at a 7th over break. Now the entire game is divided into 4 parts. Power play is 6. Normally, if they are taking strategic time out after 6th over because of losing so many wickets or so many runs, they take, then it comes to 1-6, 4-10. Then last 3 overs only slog overs. Previously, when you know IPL started, last 5 overs, 6 overs used to be slog overs, and teams used to get all out. Like yesterday, what Mumbai done? They're trying to do so many things so early, and they are actually all out. It makes no sense if you see some balls are not even addressed to and getting all out. So they should think that the slogging should be left only to last 2-3 overs. They should construct the innings in the middle overs, and they should also think about the loose ends where bowlers will be coming to bowl those extra balls. So that dot ball should be eliminated if possible, or at least to be reduced. These are the couple of areas. Consistency की जो बात आप कर रहे हैं कि consistently खेलना पड़ेगा better partnerships के साथ. Captain Kohli की अगर बात करें, RCB की बात करें, तो RCB Captain Kohli versus Sunrisers Hyderabad bowlers की, तो संदीप शर्मा कि 55 बॉलों में 73 रन, सबसे ज्यादा रन स्कोर किए हैं संदीप शर्मा के, और स्ट्राइक रेट जिसकी बात करें 132 स्ट्राइक रेट रहा है. और राशिद खान एक चुनौती बन सकते हैं, 19 बॉलों पे 18 रन और स्ट्राइक रेट 94.74. कैप्टन कोहली, मनुजा एक्सपेक्टेशन है कि बहुत लंबी पारी नहीं खेल पा रहे हैं कैप्टन कोहली, तो इस बार लंबी पारी की बहुत उम्मीद है उनसे. लीथल जरूर है सामने की बॉलिंग अटैक, बट कमर कसनी पड़ेगी कैप्टन कोहली को. इफ यू लुक एट कोहली ट्रेडिशनली इन आईपीएल, ही इज ऑलवेज स्ट्रगल्ड अगेंस्ट स्पिनर्स. इफ यू लुक एट राजस्थान रॉयल्स, समबडी लाइक श्रेयस गोपाल हैज गॉट हिज नंबर 1 too many टाइम्स. The same thing with Rashid. His ability to put away Rashid has always been difficult. I mean, in some ways, he's yet to sort out Rashid the bowler. And also, with the kind of variations Rashid brings to the table, it is difficult to read him, especially in a Chennai pitch. Rashid is going to be a huge challenge, not just for Kohli, but any of the Indian batsmen. Padikkal also is not a great player of spin. And he's not very tested against Rashid. I mean, he's an uncapped Indian player. And also, he's coming off, the COVID break that he's had. So, bringing in Rashid early could mean good news for Sunrisers, is what I feel. Afghanistan ke Rashid zarur challenging sabit hone wale hain. और अगर RCB वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद मोस्ट कैचेस की बात करी जाए, सबसे ज्यादा कैचेस जो लिए हैं वो लिए हैं विलियमसन ने 15 कैचेस लिए हैं, और सबसे कम कैचेस विराट कोहली और वार्नर ने लिए हैं, डेविड वार्नर ने लिए हैं. अजय, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट ये भी है, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, डेविड वार्नर और विलियमसन. विलियमसन 15 कैच, एबी डिविलियर्स 10 कैचेस और कोहली 8, और सबसे कम डेविड वार्नर. कैचेस की बात तो हो रही है अजय जी, के कैचेस छूट बड़े रहे हैं इस टूर्नामेंट में जो शुरुआत से देखने के लिए मिल रहा है. जो देखिए छूटेंगे भी, क्योंकि आप ये समझिए ना कि एकदम आप ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, यू नो ऑल द टीम्स आर इन बाय बबल, कई बार ऐसा होता है. बट अगर आप विराट कोहली की बात करें, एबी डिविलियर्स खासकर, यू नो ही इज अ चैंपियन प्लेयर, आप जो मर्जी उनसे करा लीजिए, यू नो हम बैटिंग में जानते हैं 360 degree प्लेयर, बट फील्ड में भी आप कहीं भी खड़ा करिए. और विराट कोहली, यू नो व्हाट आई लाइक अबाउट हिम इज कि बीइंग अ कैप्टन, नॉर्मली यू नो कैप्टन इज एट कवर और मिड विकेट, वो लॉन्ग ऑफ भी जाएंगे, लॉन्ग ऑन भी जाएंगे, बैट्समैन को रीड करेंगे वहां पे कहां पे खेल रहे हैं, एंड ही इज ऑलवेज अग्रेसिव, यू नो गिविंग हिज बेस्ट ऑन द फील्ड. तो कहीं ना कहीं मुझे कैचेस की आप बात करें, यस इट्स अ ओल्ड सेइंग, यू नो कैचेस विन मैचेस, पर कहीं ना कहीं कैचेस छूटेंगे भी, और यही T20 का मजा है कि आउटस्टैंडिंग कैचेस भी पकड़े जाते हैं. और आजकल जो फिटनेस लेवल्स है और जो कैचेस की हम देख रहे हैं, कई बार आउटस्टैंडिंग कैचेस पकड़े जाते हैं, तो ये आपको दिखेगा, और यही मजा है, ये रोमांच है क्रिकेट का, क्योंकि एकदम एक तरह चीजें नहीं चलती है, यू नो इट्स नॉट वन वे ट्रैफिक, कई बार ट्रैफिक है थोड़ा गलत भी रास्ते जाता है, और कहीं ना कहीं लगता है कि ये नजर आएगा आपको कि कैचेस पकड़े भी जाएंगे और छूटे भी जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल, यही तो रोमांच है T20 मैच का, जो फॉर्मेट है वही तो इंटरेस्टिंग बनाता है. बहुत जल्दी हमें अब ये शो रैप करना है, अजय आपसे का रिएक्शन लूंगी
किसको एज मिलने वाली है आज के इस मैच में? देखिए बहुत कठिन है, पर स्मृति मैं जाऊंगा आरसीबी के साथ एंड जस्ट द काइंड ऑफ टीम दे आर, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इस बार थोड़ी डिफरेंट नजर आ रही है। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, उनकी जो बॉलिंग है वो बढ़िया है। ऑल्दो हैदराबाद, यू नो आई थिंक द की विल बी हाउ द स्पिनर्स बोल, राशिद खान को कैसे यूटिलाइज करते हैं, उनके चार ओवर कप्तान कैसे यूटिलाइज करते हैं, जब एबी डिविलियर्स होंगे, विराट कोहली होंगे, तब शायद उनको लेके आएंगे। बट आई गो विद आरसीबी टुडे। RCB, you are going, Ajay is going with RCB. Manuja, I'll come to you. X factor, very quick, of your team. I would say Maxwell and ABD, but I'll go with SRH. Just for the spin quality that they have, I'll go with SRH today. Okay. And Venkat, better application, better combination, kaisa rahega? Yeah. See, Chennai lad, it's very, very important that Natarajan should rise to the occasion now. He's a left-arm seamer and a Yorker specialist. And I think he can make a dent and himself. That is one, as far as bowling is concerned. In batting, I really expect, again, Bairstow to perform. And from other side, our own Hyderabad Siraj is expected to do well. He's playing definitely for Bangalore. बहुत इंटरेस्टिंग मैच, रोमांचक मैच आज फिर देखने को मिलेगा सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में। कैसी कप्तानी रहती है दोनों ही कप्तानों की, वो भी बड़ा रोमांचक रहेगा देखने के लिए। ऑन दैट नोट आई विल थैंक ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच मिस्टर अजय, थैंक यू सो मच वेंकट, थैंक यू सो मच मनुजा फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग अस दोज इनसाइट्स इनटू दैट वेरी इंपॉर्टेंट मैच विच इज अबाउट टू हैपन 7:30 PM। भूलिए मत, देखिएगा जरूर ये बड़ा इंटरेस्टिंग रोमांचक मैच। और आप सभी व्यूअर्स से अनुरोध है दैट काइंडली एडहेयर टू द गवर्नमेंट गाइडलाइंस, काइंडली पुट ऑन योर मास्क एट पब्लिक प्लेसेस, कीप मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। कोविड टाइम इज द टेस्टिंग एंड चैलेंजिंग टाइम, द पैंडेमिक इज नॉट ओवर, बी रिस्पॉन्सिबल बिकॉज यू आर अकाउंटेबल फॉर योर हेल्थ एंड एवरीवन्स हेल्थ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नमस्कार।